गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश बुक गोल्डन विंग्स चैप्टर वन। शीर्षक उसका आपका है ट्राई ट्राई अगेन। प्लीज ओपन योर बुक एंड लर्न रीड थॉरली। हैव यू एवर सीन ए डेड इंसेक्ट बीइंग कैरीड बाय एंट्स? आपने अक्सर देखा होगा, यू भी बुक में ही आपके है, कि किसी चींटियों को जो है किसी मरे हुए कीड़े को ढोते हुए आपने देखा है। वो चाहे जमीन पर चल रही हो, खींच रही हो, चाहे दीवार पर चढ़ रही हो, या कहीं पानी किनारे जा रही हो, कीड़ा जो है मरा हुआ कीड़ा चींटियों से कई सौ गुना बड़ा होता ज्यादा होता है, लेकिन वो उसको खींच करके एक के जगह सौ मिलकर खींच के उसको अपने घर की जमीन में जमीन घर में वो जरूर ले जाती है, छोड़ती नहीं है। यही कहा गया इसमें कि उसको प्रयत्न करने बावजूद भी अपना काम जो शुरू कीजिए उसे पूरा कीजिए, वही इसमें है। पढ़िए, हैव यू एवर सीन, आपने प्राय देखा होगा एक मरे हुए डेड इंसेक्ट बीइंग कैरीड बाय एंट्स, मरे हुए कीड़े को चींटियां ढोती, ईच वन मेनी टाइम्स स्मॉलर देन द इंसेक्ट, प्रत्येक जो है उस मर कीड़े से बहुत छोटी होती है, स्मॉलर देन द इंसेक्ट, बहुत छोटी होती है। द लिटिल एंट्स गेट टूगेदर एंड कैरी द इंसेक्ट टू दियर होम फॉर फूड, वो छोटी छोटी चींटियां एक साथ मिल करके गेट टूगेदर एक साथ एंड कैरी द इंसेक्ट, उस कीड़े को ढोती हैं टू दियर होम फॉर फूड, अपने घर में घर के लिए भोजन के लिए अपने घर ले जाएंगे। इट टेक्स देम मेनी आवर्स, इसमें वो काफी समय काफी घंटे लग जाते हैं। मेनी समटाइम्स इवन ए होल डे, कभी कभी तो पूरे दिन लगते हैं। टू ड्रैग द इंसेक्ट इन टू दियर होम अंडर द धरती के अंदर अपने घर में उनको ले जाने में, उस कीड़े को घसीट के ले जाने में उनको दिन भर लग जाते हैं। दे हैव टू ड्रैग द इंसेक्ट ओवर मेनी ऑब्स्टेकल्स, दे हैव टू ड्रैग, उनको वो खींचते हैं उसको, कितने भी पर्सन वो उसमें रुकावटें आए हैं, ऑब्स्टेकल्स मीन्स रुकावटें, कितनी भी रुकावटें उसमें उनको ले जाने में आए, लेकिन उसके बावजूद रुकावटों में आप क्या क्या दिखाया इसमें, लाइक जैसे लार्ज स्टोन बड़े पत्थर हो, पीसे का फर्नीचर हो, लकड़ी के टुकड़े हो, वाल दीवार हो, या अराउंड द पडल ऑफ वाटर, पडल होता है तालाब गढ़ई, पानी कढ़ई भी रास्ते में पड़ जाती है, तो वो भी उसको जो है घूम करके चार दिन लग जाए उनको घसीट के ले ही जाती है। बट द एंट डू नॉट गिव अप, इतने रुकावटों के बावजूद वो चींटियां उसको त्यागती नहीं है, छोड़ती नहीं है। दे ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टीज, वो सारे परेशानियों को विजय प्राप्त करते हुए टू कंप्लीट दियर टास्क, अपने कार्य को पूरा करती हैं, एंड सम हाउ मैनेज टू कैरी द इंसेक्ट इन टू दियर होम, और किसी तरह से सम हाउ किसी तरह से उस कीड़े को अपने घर में ले जाने की व्यवस्था करती हैं। हार्ड वर्किंग एंड्स, हमको वी शुड लर्न ए लेसन, हमको एक पार्ट पढ़ना चाहिए, पार्ट सीखना चाहिए फ्रॉम दीज हार्ड वर्किंग एंड, उन चींटियों के कठिन परिश्रम से। द लेसन इज दैट वंस यू हैव बिगन ए टास्क, लेसन किस लिए है ये, एक बार कोई काम आप प्रारंभ कर लें तो यू मस्ट कंप्लीट इट इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज यू मे कम अक्रॉस, यू मस्ट कंप्लीट, आपको अवश्य उसको पूरा करना चाहिए बावजूद उसके कि चाहे कितनी परेशानियां आपको सामने आए, आप जो है उसको पूरा करना है, आपको बीच में आपको छोड़ना नहीं है, आपको ये पार्ट पर सीखना है। यू मस्ट ट्राई एंड ट्राई अगेन टू कंप्लीट द टास्क यू हैव बिगन, जिस कार्य को आपने प्रारंभ कर दिया है उसको पूरा करने के लिए आपको बार बार अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। द टास्क मे बी सिंपल वन लाइक
sharpening a pencil. The task may be simple one like sharpening the pencil. ये कार्य ठीक उस तरह से हो सकता है जैसे आप जो है पेंसिल को तेज धार लगाते हैं, शार्पनिंग करते हैं. आर डिफिकल्ट वन सच एज विनिंग अ मैच, या किसी कठिन मैच को आप जीत के दिखा देते हैं. हैव यू एवर ट्राइड टू क्लाइंब ए स्टीप हिल्स, स्टीप माने खड़ी चढ़ाई, स्टीप क्या होता है पहाड़ की खड़ी चढ़ाई. हैव यू एवर ट्राइड टू क्लाइंब स्टीप हिल्स, क्या आपने कभी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी है. इट इज ए वेरी डिफिकल्ट एंड टायरिंग, ये बहुत कठिन और थकावट से भरी होती है. टायरिंग में थकावट, थकावट भरी होती है, थकान से भरी होती है. यू विल रन आउट ऑफ ब्रीथ, जैसे लगता है कि आप दौड़ के आपको सांस फूलने लगती है. व्हाइल क्लाइंबिंग, अब जब आप पहाड़ चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है. मे स्लिप, आप स्लिप कर जाते हैं. फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, गिर पड़ते हैं और अपने आप को चोटिल करते, घायल कर लेते हैं. यू मे फील एज यू आर नेवर गोइंग टू रीच द टॉप ऑफ द हिल, यू मे फील, और आप महसूस कर लेते हैं कि आप उस पहाड़ी पर के ऊपर टॉप पे आप नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंचते. द हाइट विल डिस्करेज यू, वो उसकी ऊंचाई जो होती है पहाड़ की आपको डिस्करेज करती है, प्रोत्साहित नहीं कर बल्कि वो प्रोत्साहित कर देती है आपको. यू मे फील थर्सी, आपको प्यास की महसूस होती है. आर यू मे बी टेम्पटेड यू गिव अप, या आप में ये भावना बन जाती है कि इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दिया जाए. गो होम एंड ईट एंड आइसक्रीम, घर में चले और आइसक्रीम खाएं. इफ यू रिफ्यूज टू बी डिस्करेज आर डिसहार्टेड, यदि आप उस अपने डिस्करेज को यदि आप रिफ्यूज कर दें, त्याग दें, हटा दें, यू विल सर्टेनली बी एबल टू क्लाइम द हिल, आप निश्चित रूप से आप उस पहाड़ी को आप चढ़ लेंगे. एंड रीच द पीक, और टॉप पे उसी चोटी पहुंच जाए, पहुंचते हैं. यू योर करेज एंड डिटर्मिनेशन विल हेल्प यू कंप्लीट द डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द हिल्स, यो आपका साहस और आपका दृढ़ निश्चय विल हेल्प, ये मदद करता है. यू विल कंप्लीट द डिफिकल्ट टास्क, कठिन कनिका बने आपकी वो मदद करता है, या आप क्लाइंबिंग द हिल्स पहाड़ की ऊंचाई चढ़ने में उस चढ़ने में आपकी मदद करता है. वंस यू हैव रीच द टॉप, एक बार जब आप पहाड़ चोटी चढ़ जाते हैं, यू विल बी हैप्पी, आप उसमें खुश होते हैं. दैट यू हैड ए डिटर्मिनेशन टू फिनिश द टास्क यू सेट आउट टू डू, यू हैड ए डिटर्मिनेशन, आप जो है अपने उस टारगेट को, अपने कार्य को, आप टास्क को अपने आप जो है वो पूरा कर लेते हैं. एस यू सेट आउट टू डू, उसको आप जो है आप जगह निश्चित कर लेते हैं. अगला पैरा आपको कल इतना तैयार कर लीजिएगा, अगला पैरा कल आपको जो है बताएंगे, इसमें जो दिक्कत आपका है इसके थ्रू आप पूछ सकते हैं आप. थैंक यू.